अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप मेरे पास देख सकते हैं, ये एक लाइट है जो कि ख़राब हो चुकी है। बाइक की पीछे वाली लाइट है जो कि ख़राब है, तो आज हम इसको थोड़ा सा फ्रेश करने लगे, ठीक करने लगे, तो दोबारा से लाने लगे। तो ये देखें, ये मैंने इस लाइट को है धो लिया है, तो इसका थोड़ा सा कलर निकल गया है। तो इसका ये क्रोन है, क्रोन भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी है। जो हमने एक लाइट यूज़ करनी है, उसके अलावा हमने एक इसका कवर लेना है वाइट कलर का। जो बाइक के पीछे लाइट है, ये इसका वाइट कलर है, वाइट कलर की ये कवर है। तो उसके बाद आपने एक ये लाइट है, ये लाइट का मैंने जो है वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अगर नहीं पता तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। तो उसके बाद ये लाइट जो है छोटी वाली लाइट, ये सफ़ेद कलर की लाइट है, तो इसको मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर लगा लूँगा क्रोम के ऊपर। मगर ये बात है कि क्रोन जो है आप कोई भी लाइट लगा सकते हैं, सफ़ेद लगा सकते हैं, रेड, कोई भी ग्रीन वगैरह जो भी लाइट है वो आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है एक जो हमारी लाइट दूसरी है, उसको हमने कैसे लगाना है। तो सबसे पहले ये वाली लाइट है, ये हमने लगानी है इस तरह करके, इस तरह करके। तो सबसे पहले मैं थोड़ा ना टेप के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे ना कर लेता हूँ, यहाँ पे जो लटका लटकू लेता हूँ ना। उसके बाद जो फिर मैं कोई एल्फी वगैरह, या मैं तो मेरे पास ग्लू गन है थी, तो मैंने उसके साथ ही मैंने जोड़ना शुरू कर दिया था। तो आप अगर पास नहीं है तो आप कोई भी जो स्मार्ट कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे जो है ना ये लाइट जुड़ जाए। तो ये मैंने ना लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करके लगानी है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ग्लू गन लगा लेता हूँ। ग्लू गन क्या होता है कि वो इस वीडियो में तकरीबन हाँ बताया हुआ है इस ग्लू गन के बारे में। उसके बाद मैं ग्लू गन बिजली से चलती है, ये जब गन गर्म होती है उस वक्त ये जो है ना ग्लू गन निकलती है इससे, तो जो लाइट है ये भी गर्म हो जाती है। लेकिन ये वाली लाइट जो है ना, ये इतनी देर तक गर्म नहीं होती, ये काफ़ी कम गर्म होती है, तो इसलिए मैं जो है ग्लू गन लगा रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ग्लू गन से अगर आप कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर लगाते तो वो ग्लू गन उतर जाती है। तो मैंने जो है इस तरह लगा लिया। इसी तरह आपने कोई भी ऐसी चीज़ ले लें कि वो लाइट वहाँ पे लग जाए, यहाँ पे। तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है आगे। यहाँ पे मैं जो है ग्लू गन से अच्छी तरह मैं इसको लगा लेता हूँ। तो उसके बाद जो है इस लाइट्स के बारे में, जो अगर नहीं पता तो ये भी मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक भी दे दूंगा, ये कौन सी लाइट है, कहाँ से कहाँ कहाँ पे लगाई जाती है। तो ये लाइट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक जो है बांधता लगा दिया, क्योंकि जो है लाइट को अगर बाहर थोड़ा खींचे भी तो क्या है कि वो उतरे ना, तो आपने बांधा लगा देना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो है अच्छी तरह से ना लगा देनी है। तो अगर आपके पास टेप है तो टेप आपने क्या करनी है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे जो है के पेज पूछ लगा लिए मैंने जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे टेप कर देनी है, इसके चारों तरफ जो है आपने टेप कर देनी है। तो उसके बाद ये लाइट मैं आपको चला के बता देता हूँ। तो इसके मैं कनेक्शन भी किए हुए, अगर आपको नहीं पता तो इसकी जो है दूसरी वीडियो मैं डालूंगा, दो वीडियो मैं डालूंगा जहाँ पे एक लाइट्स पीछे में लाइट्स के कनेक्शन वगैरह, तो उसके बाद जो है इसकी लाइट्स के बारे में बता दूंगा। तो ये जो है लाइट्स, ये माइनस पॉइंट मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि जो है माइनस पॉइंट
और उसके बाद जो है प्लस पॉइंट एक यहाँ पे ये होगी हमारी ब्रेक। देखना अब ये है हमारी ये ब्रेक है, और अगर हम हेडलाइट्स ऑन करेंगे तो हमारी जो है सफ़ेद लाइट जलना शुरू कर देगी। हमने हेडलाइट ऑन करेंगे ना तो ये वाली लाइट चलना शुरू हो जाएगी। अगर हम जो है दूसरी वाली लाइट्स को ऑन कर देंगे तो हमारी जो है दूसरी वाली लाइट्स ही मैं सॉरी दूसरी अगर हम ब्रेक दबाएंगे तो हमारी ये वाली लाइट चलना शुरू कर देगी। तो उसके बाद जो है अगर हम जो है हेडलाइट्स को ऑन ही रहती है तो वो सफ़ेद जलना शुरू कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो भी बहुत सारी हैं। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।